धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। देखिए, ये मैं थोड़ा सा रोमांटिक गाना के साथ आया हूं। आप सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्टेमेंट में स्वागत है। और मैं आज एक्सरसाइज 1.6 बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो 1.6 से पहले मैं आपको 1.5 तक बताया था। तो आज आप लोग इस चैनल के माध्यम से एक्सरसाइज 1.6 को सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे देखिए क्या है क्वेश्चन में, और आज का टॉपिक थोड़ा अलग ही है जो बहुत आसान तरीके से सीखा जाता है। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का सबसे मेन फॉर्मूला जो होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो सूत्र पर पूरा एक्सरसाइज हल होगा, उस फॉर्मूला में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक्स यूनियन वाई, ठीक है? तो यहां पर डाल दीजिएगा नंबरिंग, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स, यानी कि एक्स का नंबर यानी एक्स की संख्या, प्लस एन वाई माइनस नंबर एक्स इंटरसेक्शन वाई। यही आप हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर पूरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है बाबू? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, आप एनसीईआरटी का निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी, ठीक है? तो आप निकाल लीजिएगा और फर्स्ट क्वेश्चन 1.6 का देखिएगा। तो दिया है, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एन एक्स यानी एन एक्स दे दिया, एन एक्स इक्वल टू 17 दिया है, और एन वाई इक्वल टू दिया है 23, ठीक है? और एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू दिया है 38। तो आपसे पूछ रहा है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है बराबर वाट। दौड़ा कि जो भी क्वेश्चन दिया है हम लोग यही फॉर्मूला पहले देखिए, इसमें तीन चीज दे चुका है और हम लोग को यही इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे और इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए, पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से लिख देना है, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पर रखिएगा, आप सबसे पहले 38 दिया है तो 38 रख दीजिएगा, ठीक है? फिर इक्वल टू देखिए यहाँ पर जो दिया है 17 दिया है, प्लस 23 दे दिया यहाँ पर, और माइनस की जो नहीं दिया इसी भी करना था, ठीक है? तो देखिए ये हुआ 38, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा आप लोगों का 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये आप देखिए 38 माइनस 40 हो जाएगा, माइनस रह जाएगा यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है? माइनस तो है तो अभी देख लेते हैं, दो आ जाएगा तो कट जाएगा ना, एक बार लिख देते हैं। तो ये हुआ माइनस एन एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, और देखिए माइनस माइनस कट गया आपके, यानी कि दो आ गया, तो लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू हो गया आपका दो। तो ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। आप ऐसा क्वेश्चन को हल ऐसे किए होंगे कि तो हमको उस फॉर्मूला पढ़ दिए हैं, ये हमको केवल निकालना था, इसको हम आसान तरीके से पढ़ दिए, ठीक है? तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया था कि यदि एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, ये एक्स यूनियन वाई में 18 है, एक्स में इतना है वाई में 15 है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ठीक? उसी तरह देखिए भाग दिया है, एक्स में दे दिया है आपको एन एक्स में 8 दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग बुक से खोल कर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एन वाई बराबर दिया है 23, और समुच्चय फिर दिया आपका 8 हो गया, और ये वाई में दिया, सॉरी वाई में दिया आपका 15, और एक्स यूनियन वाई में दिया है आपका 18, तो आपका बराबर ये वाट पूछ रहा था, ठीक है? ठीक, इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे इसको भी, इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये है बाबू, देखो ये जो है तो ये हम लोग जो मान है, ये हम लोग मान दिया है 18 यहाँ पर, ठीक? एन एक्स बराबर दिया है तो एक हम लोग दे दिया है,
इंटरसेक्शन पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था, इंटरसेक्शन में पूछ रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन में भी इंटरसेक्शन में पूछ रहा है। इसको डी हो गया आपका 18 प्लस ई हो गया आपका 15, ठीक है, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए ये 18 होगा, ये दोनों जुड़िएगा तो इसमें से 23 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक, ये 23 को इधर लाइए, 18 माइनस 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए ये हुआ आपका माइनस 5 एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये माइनस माइनस कट गया तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इसको टू हो गया 5, यानी यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन 5 आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में रखिएगा 3, तीन में क्वेश्चन कह रहा है कि 400 व्यक्ति की समूह में 250 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कि समूह दे दिया यानी सम्मेलन दे दिया तो हम लोग का यूनियन हो जाएगा, ठीक है, और जो मान दिया है वो हम लोग का जो दिया उसको मान लेंगे। तो सबसे पहले आए, अब देखिए तीन नंबर क्वेश्चन को लिखेगा सबसे पहले कि तीन नंबर को कि माना अंग्रेजी बराबर, ठीक है, अंग्रेजी बराबर इसको मान लेते हैं हम लोग का चीज ई मान लेते हैं, जब हिंदी दिया ना, बोले हिंदी दिया तो हिंदी बराबर लिखते हैं, ठीक है बाबू, तो बेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए तब हमको पढ़ाने में मजा आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हमको पढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो हिंदी बराबर मान ली हम लोग का चीज, एच मान ली, ठीक है। अब आइए अब हम लोग इंग्लिश बराबर यानी अंग्रेजी बराबर मानेंगे, अंग्रेजी बराबर मानेंगे ई, तो कह रहा है कि एन समूह है एच यूनियन ई इक्वल टू समूह है, कितना लोग और समूह में है तो 400 लोग, ई बराबर 400 है, ठीक है। और हिंदी कितने लोग बोलते हैं, हिंदी 250 बोलते हैं तो हिंदी के लिए हम लोग 250 कर दिए, और इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं 200 बोलते हैं तो 200 कर दिए। तो हम लोग पूछ रहे इंग्लिश यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों कितने लोग बोलते हैं, तो हम लोग को लिखना होगा एन एच इंटरसेक्शन ई, यही हम लोग निकालना होगा नंबर वन। आइए इससे पहले हमको बना चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन दो, तो ध्यान रखेंगे, तो ये होगा एन एच यूनियन वाई ए ई, ठीक ना, इसको टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए ये हम लोग का जो मान दिया है करना 400, ये हो गया 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए ये हो गया 400 बराबर 450 हो गया यहाँ पर, ठीक है, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन ई, ठीक बाबू। अब इसको हम लोग इधर आगे ला देते हैं तो 400 माइनस 450 हुआ माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हो गया माइनस 50 इक्वल टू माइनस एन एच ई, ये कटा दीजिए तो ये हो गया एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 50। इस प्रकार का दोनों भाषा बोलने वाले यानी अंग्रेजी हिंदी बोलने वाले कितने लोग होंगे, 15, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मस्ती से पढ़िए, जीवन आगे पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा बाबू, घूमने से कुछ फायदा नहीं है, अपने लाइफ को प्राप्त करना है। कुछ लोग बोलता है पागल, हम इस वीडियो को अंतिम बताएंगे कि पागल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इस वीडियो में देखते रहिएगा अंतिम तक ताकि आपको समझ आ जाएगा पागल लोग बोलते हैं, पागल क्यों बोलते हैं लोग, आज पागल के बारे में बता देंगे अंतिम में। आइए सबसे पहले चार प्रश्न देखते हैं, चार प्रश्न पर आया कि यदि S और T दो समुच्चय हैं, S में 21, T में 32 और X इंटरसेक्शन T में 11, तो X S यूनियन T में कितने होंगे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ S में कितने हैं, 21 हैं
नंबर ऑफ टी कितने हैं, 32 है, और एन एक्स एस इंटरसेक्शन टी में कितने हैं, 11। तो पूछ रहा है कि एक्स यूनियन टी में क्या होगा, तो आसान फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर जो बनाए बनाते हैं, एस यूनियन टी हो गया एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। अब देखिए ये हो गया आपका, यही पूछ रहा था, तो एस यूनियन टी लिख देंगे, और यहाँ जो जो दिया है 31 - 1। अब देखिए ये जोड़ेंगे हम लोग, तो ये होगा आपका 3, ये होगा ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 5, ठीक है, माइनस 11 हटा देंगे, 1 - 4 यानी कि 42 हो जाएगा, ठीक है, यानी एन एस टी का मान आ गया 42। इस पर ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 5 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अपने बुक पर रख लीजिए सामने, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 5 में दिया है, यदि x और y दो समुच्चय हैं, जो s x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में 10, तो कह रहा है कि y में कितने y होंगे ना, तो जो जो पहले दिया लिख लीजिए, n a n x बराबर 40, n x यूनियन y बराबर 60 और n x इंटरसेक्शन y बराबर 10, तो बोला कि n y बराबर क्या होगा, देखिए आंसर का y पूछ दिया, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, सब एक ही फॉर्मूला पर लोग मैथ बनेगा, ठीक है ना, y हो गया यहाँ पर यूनियन हो गया n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब देखिए ये तो हम लोग का दिया हुआ है मान, कितना 60 दिया हुआ है, इंटू x मान दिया है 40, और यही पूछ रहा है y का मान पूछ रहा है, और इसलिए दिया था 40। अब देखिए 60 ही घट गया, देखिए 40 में से 10 घट गया, तो हो गया 30 प्लस एन वाई, और देखिए 60 माइनस 30 हो गया, यहाँ पर भी आ गई इधर, और एन वाई, तो घटा कि एन वाई बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एन मान 60 प्लस 30 गया 30, यानी आपका 5 का आंसर 30 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दिया है 6 में दिया है 70 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, कोई व्यक्ति का समूह है जिसमें 70 व्यक्ति हैं, 37 लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है, और 52 लोग चाय पसंद करते हैं, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, ठीक है, तो 70 व्यक्ति है, मान लेंगे, माना कि कॉफी, ठीक है, कॉफी यानी कि मान लेंगे सी, चाय यानी टी, तो ये इसको मानेंगे टी, कोई दिक्कत नहीं है, तो एन सी बराबर मानिए, एन सी जो दिया है कॉफी 37 लोग पी रहे हैं, 37 लोग, एन टी चाय कितने लोग पीते हैं, तो चाय आपको 52 लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और समूह कितने हैं यानी यूनियन कितने हैं, एक्स यूनियन वाई बराबर, सॉरी सी यूनियन टी बराबर क्या आ जाएगा, तो ये दिखा दीजिएगा, ये होगा 70, तो कह रहा है कि दोनों कितने पसंद करते हैं, यानी चाय और कॉफी दोनों कितने लोग पसंद करते हैं, ये पूछ रहा है वाट, ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन होगा। अब हम लोग यहाँ से आंसर लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एस सी सी यूनियन टी, ठीक है, और हो गया यहाँ पर एन सी प्लस एन टी और एन सी इंटरसेक्शन टी, यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यूनियन यहाँ पर 70 दे दिया, ठीक है, और एन सी बराबर 37 दे दिया प्लस यहाँ दे दिया 52, है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दूगा 70 और जोड़ दीजिए, ये होगा 9, ये होगा
ना 80, ठीक है, और माइनस 10 सी इंटरसेक्शन टी। अब ये रही 70 माइनस 89 और माइनस 10, ठीक है, सी इंटरसेक्शन टी हुआ। अब घटाइएगा तो हमको लग रहा हमें था कि माइनस 19 होगा, ठीक है, माइनस 19 होगा। अब ये देखिए माइनस ये होगा सी इंटरसेक्शन टी, घटा दीजिए एन सी इंटरसेक्शन टी, यानी दोनों चाय पसंद, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 19। ये प्रकार के जगह पर 6 का क्वेश्चन वर्क बन गया। और देखिए 7 क्वेश्चन, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं कि क्यों क्रिकेट को नहीं, तो व्यक्ति को टेनिस को पसंद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम इसको सब क्वेश्चन को समझ लिए और अब इसको क्या करेंगे, पहले मानेंगे। तो लिखेंगे माना क्रिकेट मान लेंगे, क्रिकेट पर मान लेंगे, जो क्रिकेट है क्रिकेट पर मान लेंगे आपको सी, क्योंकि क्रिकेट सी से, और टेनिस यानी आप जो भी करते हैं टेनिस पर मान लेंगे लोग टी। अब ध्यान दीजिएगा, अब मानने के बाद में देखिए क्या क्या दिया वो लिखेंगे, यानी एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू दिया है 65 यानी 65, ठीक, एन केवल क्रिकेट खेल रहा है, सी दिए आपका 40। और देखिए दोनों खेलते हैं सी इंटरसेक्शन टी टेनिस, ये है 10, तो क्या पूछ रहा है कि वो टेनिस टी पूछ रहा है ना, तो ये निकाल के फिर देखा क्या क्या होता है। तो ये हम लोग फॉर्मूला हुआ एन सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन यानी कि इंटरसेक्शन टी। अब देखिए ये हुआ आपका 65, ठीक है, ये आपका एन सी बराबर 40 दिया प्लस एन टी तो नहीं टेनिस सिखाना ही है, ये 10 हो गया, ठीक है, तो ये 65 बराबर ये कर देगा 30 हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, तो प्लस एन टी हो गया। अब ये घट जाएगा तो 65 माइनस 30 हो जाएगा ना, तो ये होगा एन टी यानी टेनिस, तो ये आपका एन टी इक्वल टू होता है 65 माइनस 30 हो जाएगा 35 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया, अब कह रहा है किसी में टेनिस दोनों पसंद है किंतु क्रिकेट नहीं, तो किंतु क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, किंतु क्रिकेट नहीं, यानी आपको 35 माइनस जो 10 जो 40 है ना, 40 है जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, मतलब कि जो ये आपका 10 आया है दोनों पसंद करने वाले हैं, तो 35 में से 10 हटा देंगे दोनों में से घट के, ये आ जाएगा टेनिस से दोनों क्रिकेट घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों खेलते हैं ना 10, केवल टेनिस खेलने वाले 35 लोग हैं, ठीक है, और क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट टेनिस दोनों खेलने वाले 10 हैं, तो घटा देंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा सर इस प्रकार। अब आइए क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज का, मजा आ रहा है, अच्छा लगता है, एकदम अच्छा, सब लोग तुम बनाइए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे होंगे, और दम लाइन से आपको वीडियो मिलते रहेगा मेरे यूट्यूब पर, यदि वीडियो आपको दिखाई नहीं दे तो वीडियो पर जाकर आप एक्सेल बाई एक्सेल को खोल सकते हैं, भले आगे पीछे होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर है कि कमिटी है, कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो भाषा बोल सकते, कितने व्यक्ति दोनों ही भाषाओं में से कम एक ही बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे लिखेंगे माना
फ्रेंच, क्या लिखेंगे, फ्रेंच, फ्रेंच भाषा बराबर एफ, ठीक है, और स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश बराबर मान लेंगे एस, ध्यान दीजिए एन एफ यूनियन एक्स, यही आपसे हमको लग रहा है पूछ रहा है कि कम से कम बोल रहा है कि वो फ्रेंच बोलने वाला है एफ तो 50, ठीक है, और एन टी टेनिस को स्पेनिश है ना, तो इसको मान लेंगे एस स्पेनिश है तो इसको हो जाएगा 20, ठीक है, और एन एक्स, एक्स नहीं यहाँ पर हम लोग इसे एस में था, एफ इंटरसेक्शन एस दोनों बोलने वाले व्यक्ति हैं कितने 10, तो हमसे केवल ये कवर पूछा है। अब देखिए अब इसका हल कर देना है, एन एन एस एफ ना एफ यूनियन एस, एन एफ प्लस एन एस एन एफ इंटरसेक्शन एस। अब देखिए बाबू यहाँ पर जो मान दिया है ये तो कुछ रहता आप, तो यहाँ जो नहीं दिया उसको लिखेंगे, तो ये आपका दिया है 50 प्लस 20 माइनस 10, ये हो गया आपका 70 माइनस 10 यानी हो गया 60, यानी एस एफ यूनियन एस बराबर हो गया 60। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए।